नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, स्कूल ऑफ साइंसेस, उत्तर प्रदेश, राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, प्रयागराज। आज मैं आपको पिछले लेक्चर में एसिम्प्टोट के बारे में बताया था, कर्व ट्रेसिंग में। अब उसके आगे चर्चा करेंगे और आगे पढ़ने के लिए आपको पीछे का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है ताकि आप आगे अच्छे से समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है पोलर। लेट आर वन थीटा वन बी ए गिवेन पॉइंट ऑन द कॉनिक, देन द इक्वेशन एल अपान आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा। वी शैल यूज द प्रॉपर्टी that the polar of a point is the chart of contact of tangents drawn from it to the conic is L upon R is equal to 1 plus E cos theta. 1 plus E cos theta. If alpha minus beta, alpha plus beta be the vectorial angles of the points of the contact, the equation of the chart of the contact is L upon R is equal to sec beta cos theta minus alpha plus e cos theta. Suppose this is equation number 1. Now the equation of the tangent at alpha minus beta is L upon R is equal to cos theta minus alpha plus beta bracket close plus e cos theta. This passes through the point suppose R1 theta 1. Therefore L upon R1 is equal to cos theta 1 एंगल चेंज हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस ई कॉस थीटा वन। सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट अल्फा प्लस बीटा इज सेम पोजीशन है, ये वाला चेंज हो जाएगा एल अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस ई कॉस थीटा। दिस पासेस थ्रू द पॉइंट R1 theta 1. Therefore, L upon R1 is equal to cos theta 1 minus alpha minus beta bracket close plus E cos theta 1. Suppose this is equation number 3. From equation 2 and 3, we have cos theta 1 minus alpha plus beta bracket close is equal to cos theta 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा। दैट इज दोनों उस पॉइंट को लिया, दोनों की कॉस है ये, यहाँ भी कॉस, यहाँ पे सब सेट करेंगे उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अनुसार एंगल क्या हो जाएंगे, थीटा वन माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा वन माइनस अल्फा माइनस बीटा। ये जो लाइन यहाँ से यहाँ पे आई है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्लास 12 स्टैंडर्ड तक कर दिया गया था, उससे भी यहाँ पे इसको चेंज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सिंस बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो देयरफॉर थीटा वन माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा वन माइनस अल्फा माइनस बीटा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू थीटा वन। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन टू एंड थ्री वी गेट, जब इक्वेशन टू और थ्री में चेंज करेंगे अल्फा के यहाँ पर थीटा वन, तो हमें मिल जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर वन माइनस ई कॉस थीटा वन। फुल स्टॉप। ये कैसे मिलेगा हमको, इक्वेशन टू और थ्री में अल्फा के थीटा वन रखेंगे, सब चेंज कर देगा तो मुझे मिलेगा कॉस बीटा इज इक्वल अपन आर वन माइनस ई कॉस थीटा वन। फ्रॉम द इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन द पोलर ऑफ द पॉइंट आर वन थीटा वन इज एल अपॉन आर माइनस ई कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज दूसरे ब्रैकेट में एल अपॉन आर वन माइनस ई कॉस थीटा वन इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस थीटा वन फ्रॉम इक्वेशन वन। देयरफॉर नेक्स्ट पॉइंट, वो तो आप पोलर हो गया, वो सुमन दोबारा बता दिया। अब आगे आते हैं एग्जाम्पल। शो दैट द डायरेक्टर सर्किल ऑफ द कॉनिक एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा इज आर स्क्वायर ब्रैकेट वन माइनस ई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस टू ई एल आर कॉस थीटा माइनस ट्वेल्व स्क्वायर। सो दैट करना है डायरेक्टर ऑफ सर्किल के लिए, कॉनिक के लिए। सॉल्यूशन,
the equations of the tangents at the point alpha beta of the given conic are L upon R is equal to cos theta minus alpha plus E cos theta, and L upon R is equal to cos theta minus beta plus E cos theta. Therefore, if theta be the vectorial angle of the point where the tangents intersect at each other, intersect karega cos theta minus alpha is equal to cos theta minus beta. That is same process jo maine bataya tha aapko. Ye ho jaye cos theta minus alpha is equal to plus minus theta minus beta. Neglecting the positive sign neglect karenge, negative sign lenge, negative sign lenge, negative theta, ye negative पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव माइनस थीटा उस पर जाएगा प्लस थीटा हो जाएगा, प्लस थीटा मिलकर टू थीटा हो जाएगा, इसे फिर उसके बाद ये इधर चला आएगा, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो जब राइट साइड चेंज करेगा तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे टू थीटा था साइड चेंज के डिवीजन में आ गया, तो क्या मिलेगा हमको थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइड बाई टू. सपोज दिस इक्वेशन नंबर वन. सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ थीटा इन द इक्वेशन ऑफ द either tangent radius vector r of the point intersection can be written as L upon R is equal to cos alpha minus beta divided by 2 plus E cos alpha plus beta by 2. ये equation था, आपने इसको मैं change कर दिया. Converting the equations of the tangent in coordinates, if we see that they are right angle पर है, तब cos alpha plus E very close cos beta plus E plus sin alpha sin beta is equal to 0. That is if E square plus E cos alpha plus cos beta bracket close cos alpha minus beta is equal to 0, which can be written as E square change kiya E square plus E cos alpha plus beta by 2 cos alpha plus beta by 2 plus 2 cos square alpha minus beta by 2 minus 1 is equal to 0. Suppose this equation number 10. क्वेश्चन नंबर थ्री, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री. अब आगे बढ़ते हैं. इलिमिनेटिंग अल्फा एंड बीटा फ्रॉम इक्वेशन थ्री विद हेल्प ऑफ वन एंड टू, हम अल्फा और बीटा इलिमिनेट करेंगे थ्री से, किसके हेल्प से, वन एंड टू के हेल्प से, तब क्या मिलेगा मुझे ई स्क्वायर प्लस टू ई कॉस थीटा वन माइनस आर एल अपॉन आर, ये यल है आपका, ये मिस्टिंग में है, ये एल अपॉन आर माइनस ई कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस टू एल अपॉन एल है ये एल अपॉन आर माइनस ई कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. देयरफॉर आर स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, देखिए ई स्क्वायर ये स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ पे ई स्क्वायर यहाँ पे सर से बाहर कर देंगे तो आर स्क्वायर ब्रैकेट वन माइनस ई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस टू ई एल आर कॉस थीटा माइनस टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द प्रूफ आप द गिवन क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं ऑक्सिलरी सर्किल में. ये क्या होता है, द लोकस ऑफ द फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑन एनी टेंजेंट टू द कोनिक इलिप्स ऑर हाइपरबोला इज अ सर्किल कॉल्ड द ऑक्सिलरी कोनिक. द लोकस ऑफ द फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑन एनी टेंजेंट टू ए कोनिक फॉर इलिप्स ऑर हाइपरबोला इज अ सर्किल कॉल्ड द ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ द कोनिक. एग्जाम्पल में आते हैं, आगे देखते हैं. इक्वेशन ऑफ द ऑक्सिलरी सर्किल ऑफ द कोनिक इज एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस सी कॉस थीटा. सपोज दिस इक्वेशन नंबर वन, वी टेक अ पॉइंट अल्फा ऑन द कोनिक वन. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट अल्फा इज एल अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस ई कॉस थीटा. सपोज दिस इक्वेशन नंबर टू एल प्लस इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू. वी कैन वी चेंज द इक्वेशन टू इन द कार्टेशियन फॉर्म. वी हैव इक्वेशन टू को चेंज करें कार्टेशियन फॉर्म में, वी हैव एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस ई ब्राइट क्लोज एक्स प्लस साइन एन अल्फा साइन अल्फा वाई. यहाँ पे एन एक्स्ट्रा डिस्प्रिंट है ये साइन अल्फा वाई. सपोज दिस इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द थ्री एंड पासिंग थ्रू द फोकस इज जीरो इज इक्वल टू साइन अल्फा एक्स माइनस कॉस अल्फा प्लस ई ब्रैकेट क्लोज वाई. चेंजिंग इट टू द पोलर फॉर्म, वी हैव जीरो इज इक्वल टू साइन अल्फा आर कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस ई इंटू आर साइन थीटा.
और अंडर इंटरचेंजिंग साइन थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा माइनस अल्फा ये दोनों चेंज कर देंगे इज इक्वल टू माइनस ई साइन थीटा. नाउ द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम नाउ द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू द टेंजेंट टू इज गिवन बाई द इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन टू एंड फोर एंड हेंस इट्स लोकस इज ऑब्टेन्ड बाई eliminating the variable alpha between equation 2 and 4. Equation 2 and 4 may be written as L upon R minus E cos theta is equal to cos theta minus alpha and sin theta minus alpha is equal to minus E sin theta. Ye theta yahan pe hoga. Minus E sin theta. Kya ho gaya? L upon R minus E cos theta is equal to cos theta minus alpha and sin theta minus alpha is equal to minus E sin theta. कास का कास के साथ है, साइन का साइन के साथ. स्क्वायरिंग एडिंग द इक्वेशन वी हैव दोनों स्क्वायर एड किया ई साइन साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एल अपॉन आर माइनस ई कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन आर एल अपॉन आर होल स्क्वायर माइनस टू एल ई बाई आर कॉस थीटा प्लस ई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. देयरफॉर ई स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट क्लोज आर स्क्वायर माइनस टू एल ई आर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल. आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए इसमें क्या है. इन द केस ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू वन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एल अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस जीरो वो जीरो कर देगा प्लस वन इंटू कॉस थीटा एट द वर्टेक्स विच इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एल अपॉन आर इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा एट द वर्टेक्स दैट इज एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू एट द पॉइंट दैट इज थीटा इज इक्वल टू जीरो. आपको मिल गया वो. अब आगे आते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू टेंजेंट्स. सपोज दैट इक्वेशन ऑफ कोनिक इज L upon R is equal to 1 plus 3 cos theta. Therefore, equation of the tangent at the point alpha plus beta. R L upon R is equal to cos theta minus alpha plus 3 cos theta. Suppose this equation number 2. L upon R is equal to cos theta minus beta plus 3 cos theta. Suppose equation number 3. Now we subtract equation 3 from equation 2 for finding the points of the intersection. 3 and 2 से सब चेंज करेंगे तो क्या मिला? दो साइड बराबर है. कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस कॉस थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो. क्यों जीरो? देखिए ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों बराबर होंगे. कॉस थीटा माइनस ये दोनों बराबर हो जाएंगे. तो फिर आप अगला देख लीजिए. फिर वही मिल गया, ये माइनस साइन थी साइड चेंज किया, माइनस साइन था साइड चेंज किया पॉजिटिव हो गया. कॉस थीटा माइनस अल्फा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस बीटा. देयरफॉर बाय ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो क्या मिलेगा? थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा माइनस बीटा. इफ यू टेक द पॉजिटिव साइन वी गेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा. पॉजिटिव साइन लेते हैं तो विच इज इनएडमिसिबल, वो जो कि अप्लीकेबल नहीं है. सो वी टेक नेगेटिव साइन. अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो एडमिसिबल एक्सेप्टेड नहीं है वो. सो वी टेक द नेगेटिव साइन. वी टेक थीटा माइनस अल्फा इज माइनस थीटा माइनस बीटा. और जब साइड चेंज करेंगे ये निगेटिव है उधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव इधर चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा. देखिए ये निगेटिव है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव. तो क्या मिलेगा? थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइड बाई टू. पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन टू और थ्री, जो थीटा की वैल्यू जो मिली है वो हम टू या थ्री में रिप्लेस कर देते हैं तो क्या मिलेगा? एल अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई टू माइनस अल्फा प्लस ई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू एल अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू प्लस ई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू. इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या लिया मैंने? आर डैश थीटा डैश. देन वी हैव थीटा डैश इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई टू एंड एल अपॉन आर डैश इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू प्लस ई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू मिल गया हमें. अब आ जाते हैं जो पॉइंट में लिया था, पॉइंट नंबर सिक्स. अब कहते हैं इन द केस ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू वन
the equation of the tangent to the parabola, L upon R s is equal to cos alpha minus beta whole divided by 2 plus E plus cos alpha plus beta whole divided by 2 is equal to 2 cos alpha divided by 2 cos beta by 2. Or R s is equal to L by 2 sec alpha and 2 sec beta by 2. Therefore, theta s is equal to alpha plus beta by 2. अब डायरेक्टर सर्किल देखते हैं. डायरेक्टर सर्किल क्या होता है? द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू ए कॉनिक इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल ऑफ द कॉनिक. सपोज दैट द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक इज एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा. सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1. डायरेक्टर सर्किल ऑफ द कॉनिक 1 इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट कॉनिक 1. डायरेक्टर सर्किल क्या है? The locus of the point of intersection of a two perpendicular tangent to a conic is called the circle of the conic. Suppose that the equation of the conic is L upon R is equal to 1 plus C cos theta. Suppose this equation number 1, the diameter circle of the conic 1 is the locus of the point of intersection of the perpendicular tangent to the conic 1. The equation of the tangents at the point alpha plus beta R, L upon R is equal to cos theta minus alpha plus E cos theta. Suppose this equation number 2, similarly for the beta, L upon R is equal to cos theta minus beta plus E cos theta. Suppose this equation number 2 respectively. Now we subtract equation 3 from equation 2 for finding the point of intersection. Now we subtract 2 from 3 for finding the point of intersection. Cos theta minus alpha minus cos theta minus beta is equal to 0. 0 था, साइड चेंज किया, cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस बीटा. सेम प्रोसीजर किया, हमें क्या मिला? थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस थीटा माइनस बीटा. इफ वी टेक पॉजिटिव साइन वी गेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सो इट इज इन एडिशनल, सो वी टेक नेगेटिव साइन. देयरफॉर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस थीटा माइनस बीटा आर. थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई होल डिवाइड बाई 2. पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 2 और 3 वी गेट L upon R is equal to alpha cos alpha plus beta by 2 minus alpha plus E cos alpha plus beta by 2. ये change है ये, alpha plus beta by 2. Therefore is equal to L upon R is equal to cos alpha minus beta by 2 E cos alpha plus beta by 2. If the point of intersection R dash theta dash of the tangent 2 and 3, then we have theta dash is equal to alpha plus beta by 2 and L upon R dash is equal to cos alpha minus beta by 2 plus E cos alpha plus beta by 2. Alpha plus beta, yeah, beta होगा beta by 2. Suppose this is number 4. Changing equation 2 of the tangent at the point alpha to the Cartesian form, we have L is equal to cos alpha plus E into L plus sin alpha y. Therefore, the slope of the tangent is M1 is equal to minus cos alpha plus E divided by sin alpha. Similarly, the slope of the tangent at 3, M2, M1, similarly M2, minus cos beta plus C into sin beta. M1 के लिए sin alpha, M2 के लिए sin beta. Since the tangent are perpendicular, so M1, M2 is equal to minus 1. M1, M2 is equal to minus 1. Therefore, minus cos alpha plus C, bracket close, plus divided by sin alpha, एक ब्रैकेट में, सेकेंड में cos बीटा प्लस ई डिवाइड बाय sin बीटा इज इक्वल टू माइनस 1. नेक्स्ट, और सबको सब्ट्रैक्ट ऐड किया, चेक किया सबको, ये इसको मल्टीप्लाई किया मैंने sin अल्फा cos मल्टीप्लाई किया cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा प्लस ई cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सपोज दिस इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 4, हमें क्या लिया था मैंने 4 में, थीटा डैश इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड एल अपॉन आर डैश इज माइनस एल अपॉन आर डैश माइनस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइड बाई 2. सपोज दिस क्वेश्चन नंबर 3. देयरफॉर एलिमिनेटिंग अल्फा एंड बीटा विद हेल्प ऑफ 5 एंड 6, देयरफॉर वी गेट 2 एल अपॉन आर डैश माइनस ई कॉस थीटा डैश होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 ई कॉस थीटा डैश इनटू एल अपॉन आर डैश माइनस ई कॉस थीटा डैश bracket close plus e square is equal to 0. Or after elimination, after elimination, 1 plus e square bracket close r s square
plus 2L ER dash cos theta dash minus 2L square is equal to 0. Therefore, the locus of point of contact, point R S theta dash is 1 minus E square into R square plus 2L ER cos theta minus 2L square is equal to 0, which is the required equation of circle. Thank you.